पूरे देश की जनता को भी ये ध्यान है कि पिछले दिनों जो केंद्र सरकार ने, जिनको आप हम लोग आजकल मोदी सरकार कहने लगे क्योंकि मोदी जी अकेले निर्णय लेते हैं, उसमें ये फैसला लिए कानूनों में संशोधन करके देशद्रोह की धारा को खत्म करके राजद्रोह बनाया, और साथ ही साथ में जो वाहन चालक हैं उनके लिए भी प्रावधान किया कि पहले जो 2 साल की सजा और 500 रुपये तक का जो जुर्माना था उसको बढ़ा के 10 साल की सजा और 5 से 7 लाख तक का जुर्माना कर दिया है। दरअसल ये जो प्रावधान किया उसमें एक ये प्रावधान भी किया कि अगर कोई दुर्घटना के बाद अगर कोई वाहन चालक अगर वहां से भग जाता है दुर्घटना करने के बाद, तो उसके खिलाफ लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई के अलावा और भी जो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस निर्णय से पूरे देश के जो भी वाहन चालक हैं, और वाहन चालक सिर्फ वही नहीं जो कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं, ट्रकें, बसें, टैक्सी या जीप या ट्रैक्टर, वो सारे वाहन चालक इसमें आ जाते हैं जिसके पास 2-व्हीलर या 4-व्हीलर भी है या स्कूटर मोटरसाइकिल भी है, अगर वो उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये एक तरह से ऐसा कानून बनाया जिससे पूरे देश के जो ड्राइवर है, खासकर अपने टैक्सी और ये ट्रक और बस वाले, उन सबके मन में इस तरह का काफी गुस्सा है कि ये कानून एक तरह से जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने भी नहीं बनाया, और ये जो दोनों प्रावधान किए वो ये किया कि अंग्रेजी दास्ता से छुटकारा पाने के लिए हम लोग कानून में संशोधन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कानून बनाया जिससे देश के आम जो ड्राइवर है, जो 20 से 25 करोड़ लोग वाहन चलाते हैं अपना, उन सब पे एक तरह से उनको एक तरह से ये अपराध का इस तरह से उन्होंने भारी सजा करके उसके खिलाफ कुठाराघात किया है। इससे हमारे उदयपुर में भी जी ऑटो की यूनियन है या बस की यूनियन है, ट्रकों की यूनियन है, उन सब ने मिलकर कल कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया, टाउन हॉल में मीटिंग की, और ये उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक ये काला कानून वापस रद्द नहीं करते, वापस नहीं लेती केंद्र सरकार, तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और आज उससे ये फर्क पड़ा, पूरे हमारे उदयपुर संभाग में हम लोग देखें तो जगह जगह ये जो ट्रकें हैं, बसें, उनका आवागमन बंद हो गया, आम जनता को परेशानी हो रही है। आज हमारे सब्जी वाले गए तो वहाँ के रेट जस्ट डबल हो गई है सब्जियों की और फ्रूट की। तो विरोध अभी तो शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय लिया है वो एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का काम किया केंद्र सरकार ने, उनको छेड़ के एक तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं की, और अधिकतर जो एक्सीडेंट होते हैं, आपको मैं बताऊं, मैं कोई भी ड्राइवर होंगे, आप होंगे, मैं होंगे या कोई भी होगा, एक गिलहरी या एक कोई जानवर भी जाता है, कुत्ता, तो उसको बचा के वो अपने को निकलता है। दुर्घटना होने के 90% से अधिक जो कारण है वो जो सड़कों का रखरखाव या जो तकनीकी रूप से जो कमियां है उस कारण से रहता है। और मुझे ऐसा लगता है जब तक, जैसे आपको ध्यान होगा 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था, 378 दिन चला था, और 700 किसानों ने अपने आहुति दी थी प्राणों की, पूरे दिल्ली को घेर के रखा था। मुझे लगता इस तरह का आंदोलन हमारे देश में होने की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को उस आंदोलन से सबक लेके वो जल्दी इस निर्णय को निरस्त नहीं करेगी। तो मुझे लगता अभी तो काफी वाहन चल रहे हैं, प्राइवेट भी चल रहे हैं, आधे वाहन चल रहे हैं, लेकिन आने वाले मुझे लगता है 1-2 दिन में ये स्वतःपूर्त आंदोलन हो रहा है और पूरे देश एक तरह से जाम हो जाएगा, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की ये जो सनकीपन है मुझे लगता है वो जिम्मेदार है।